सो हे गाइस नमस्कार, मेरा नाम अनीश रॉय। तो गाइस कैसे हो आप सब लोग। सो गाइस आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ वॉइड यूआई के बारे में। सो गाइस वॉइड यूआई एक ऐसा रोम है जो कि भाई अनऑफिशियली रिलीज होता है रेडमी नोट 7 के लिए और कुछ कुछ डिवाइसेस के लिए शायद रिलीज होता होगा, लेकिन मेरे को नहीं पता क्योंकि ये अनऑफिशियल बिल्ड है। ठीक है, और यहाँ पे ये एक ही बिल्ड मेरे को एंड्रॉइड 12 में भी देखने को मिला था। अभी एंड्रॉइड 13 में एक और एक बिल्ड देखने को मिला है, शायद ही इन फ्यूचर देखने को मिल जाए क्योंकि एंड्रॉइड 13 अभी नया नया डेवलप हो रहा है। तो गाइस यहाँ पे क्या कुछ इस कस्टमर में देखने को मिलता है, ठीक है, सब कुछ बात करूंगा डिटेल में। यहाँ पे गीकबेंच स्कोर क्या आता है, रिजल्ट, फिर यहाँ पे गेमिंग वगैरह कैसा होता है, और यहाँ पे एंटीटू स्कोर वगैरह क्या क्या आता है, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि वीडियो एंड तक देखना क्योंकि एंड तक बहुत ही मजेदार होने वाला वीडियो। यहाँ पे सब कुछ मैं डिटेल में कवर करूंगा इस वॉइड यूआई के बारे में सब कुछ, ठीक है। और मैं पहला भी जो रिव्यू लाया था एंड्रॉइड 12 में, वॉइड यूआई का एंड्रॉइड 12 का जो मैं रिव्यू डाला था उसमें भी भाई बहुत ही ज्यादा सपोर्ट आया था। और ये भाई सच में एक ऐसा कस्टमर में जहाँ पे आपको कोई भी अननेसेसरी बग्स देखने को नहीं मिलते, ठीक है। सो गाइस सब कुछ बात करूंगा इस वीडियो में। आप इसी खुशी में चैनल का जो सब्सक्राइब बटन है उसको हरा, पीला, नीला जो भी है, गीला कुछ भी, सॉरी गीला तो नहीं, हरा तक कर देना। सो गाइस मेरा नाम है अनीश रॉय, यू आर ऑलरेडी वॉचिंग टेक्नो प्रभु, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं इसके होम स्क्रीन की। होम स्क्रीन कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है, वाइड यूआई का यहाँ पे लोगो देखने को मिलेगा, यहाँ पे वॉलपेपर देखने को मिलेगा। वॉलपेपर में देख सकते हो एक रॉकेट टाइप का आ रहा है, जेट, और यहाँ पे ऊपर वाइड यूआई लिखा दे रहा है, ठीक है। अगर हम दूसरे वॉलपेपर्स की बात करें यहाँ पे दूसरा कोई भी वॉलपेपर देखने को नहीं मिलता रोम का। यहाँ पे लाइव वॉलपेपर्स कुछ देखने को मिलते हैं जो कि पिक्सल एंड्रॉइड 12 से जो है यहाँ पे लिया गया है। तो यहाँ पे जितने भी सारे हैं सब कुछ पिक्सल के हैं, बस एक ही वॉलपेपर है जो कि भाई अभी दिखता भी नहीं है वॉलपेपर के सेटिंग्स में, ठीक है। अगर हम बात करें थीम डाइकन्स की, ये सब कुछ काम कर रहा है, यहाँ पे थीम डाइकन वगैरह अवेलेबल है। यहाँ पे अगर हम बात करें सेटिंग्स की, होम सेटिंग्स की, तो गाइस ये पिक्सल लॉन्चर का यूज कर रहा है तो यहाँ पे कस्टमाइजेशन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे ब्लॉक एप्स की बात करें तो यहाँ पे ऐप वगैरह को ब्लॉक कर सकते हो, जो होम स्क्रीन में नहीं दिखेगा वो सब कुछ यहाँ पे आप कर सकते हो एक एक करके सिलेक्ट, ठीक है। सो गाइस अगर मैं बात करूँ इसके स्मूथनेस की, तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कितना स्मूथ इसका एनिमेशन देखने को मिलता है। यहाँ पे क्विक सेटिंग, जब जैसे आप नीचे स्क्रॉल करोगे यहाँ पे आपको कोई भी लैग वगैरह या फिर जिटर वगैरह देखने को नहीं मिलेगा यूआई में, जो कि आपका बहुत सारे रूम्स में ऐसा भी होता है थोड़ा सा लैग से ही यहाँ पे मूड खराब हो जाता है, तो यहाँ पे इस रूम में वैसा सीन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितना फ्लूइडिटी के साथ ये रूम आता है, जैसे मैं कुछ भी करता हूँ एकदम ही स्मूथली चला जाता है। अगर हम बात करें सेटिंग्स की, तो यहाँ पे सेटिंग्स में भी बहुत ही स्मूथ चला जाता है, और यहाँ पे कुछ भी क्लिक करो एनिमेशन बहुत ही तगड़ा दिखाई देता है, कहीं पे भी क्लिक करो यहाँ पे इजिली एनिमेशन दिखाई देता है। यहाँ पे आप देख सकते हो एकदम स्मूथ एनिमेशन। अगर मैं बात करूँ इसके पावर बटन की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना स्मूथ इसके एनिमेशन देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही तगड़ा इसके एनिमेशन देखने को मिलता है यहाँ पे इस रूम में। और यहाँ पे एनिमेशन के मामले में एंड्रॉइड 13 बहुत ही आगे है, मैंने एक शॉर्ट्स में भी बताया था, ठीक है। यहाँ पे अगर हम चलते हैं सेटिंग्स की, और सेटिंग्स में जैसे जाओगे यहाँ पे आपको जो सेटिंग्स का यूआई है वो एकदम ही नॉर्मल सा देखने को मिलता है। यहाँ पे ऐसा कोई भी नया चीज देखने को नहीं मिलता, एकदम ही स्टॉक एंड्रॉइड जैसा देखने को मिलता है। यहाँ पे जो पिक्सल डिवाइसेस में जैसे देखने को मिलता था, ठीक है, वैसे ही आपको इस रूम में देखने को मिलता है। अगर हम बात करें इसके अबाउट फोन की, तो कैसे आप देख सकते हो वॉइड यूआई का वर्जन, आप देख सकते हो यहाँ पे वॉइड यूआई टीरामिसू 13.0 लेवेंडर अनऑफिशियल देखने को मिल रहा है वॉइड यूआई रिलीज वर्जन, और यहाँ पे एंड्रॉइड वर्जन जो एंड्रॉइड 13 देखने को मिलता है। इसको एक बजाना पड़ेगा तभी जाके एंड्रॉइड 13 का लोगो चलाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें इसके डिवाइस मेंटेनेंस की, तो यहाँ पे आपको अननोन दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक्चुअल जो मेंटेनर उनका लिंक उनका जो क्रेडिट है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर हम बात करें इसके सिक्योरिटी पैच की, तो देख सकते हो अक्टूबर 5 का देखने को मिलता है लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाता है, ठीक है। बेस बैंड वर्जन जो है ये देखने को मिलता है, और कर्नल वर्जन रेव ईएस कर्नल देखने को मिलता है, ठीक है। अगर हम बैक चले जाते हैं, तो यहाँ पे कस्टमाइजेशन तो वैसे आप देखने को मिलता ही नहीं है। बाकी अगर हम बात करें एनएफसी वगैरह, एनएफसी तो देखने को मिलता नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ चीजें जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जैसे कि वाईफाई वगैरह, वो वाईफाई वोल्टी आइकन, ये सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है इस रूम में, ठीक है। वोल्टी आइकन को छोड़ के बाकी जो भी है सब कुछ देखने को मिलता है, और यहाँ पे सब कुछ काम भी करता है, ऐसी बात नहीं है कि ये बग है वो बग है, यहाँ पे सब कुछ काम कर रहा है यहाँ पे, और ब्लूटूथ ऑडियो वगैरह भी काम कर रहा है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। दिक्कत सिर्फ एक ही जगह में है, वो है जब आप कॉल वगैरह करते हो कभी कभी सुनाई नहीं देता, तो गाइस शायद ही मेरे फोन का फर्मवेयर का प्रॉब्लम होगा, या फिर आपका भी अगर प्रॉब्लम सेम हो रहा है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मेरे को पता चल पाए, क्योंकि भाई मैंने अभी बहुत टाइम से मैंने यहाँ पे फर्मवेयर को फ्लैश नहीं किया, जिसके कारण यहाँ पे बहुत सारे कुछ इश्यूज मेरे को फेस करने पड़ रहे हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली मेरे को कमेंट करके बताना कि भाई क्या अभी आपके पास भी आपके साथ भी सेम इशू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें छोटे मोटे कस्टमाइजेशन की, तो यहाँ पे डिस्प्ले के और जाओगे तो डिस्प्ले में आपको यहाँ पे नेटवर्क ट्रैफिक इंडिकेटर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है वो आपको यहाँ पे इस रूम में देखने को मिल रहा है, ठीक है। कलर यहाँ पे बूस्टेड लगा रखा है मैंने, यहाँ पे नेचुरल भी आप लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे डिस्प्ले साइज एंड टेक्स्ट साइज ये सब कुछ चेंज कर सकते हो, जो कि मैं एंड्रॉइड 13 में अभी नया देखने को मिलता है, ठीक है। और बाकी ब्राइटनेस और एडेप्टिव ब्राइटनेस यहाँ पे देखने को मिलता है, और यहाँ पे
नीचे जाएगा तो वो टैप टू वे देखने को मिल जाता है और यहाँ पे फुल स्क्रीन एप्स वगैरह एम्बिएंट डिस्प्ले वगैरह देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे अगर हम चलते सिस्टम की और सिस्टम में जैसे जाओगे यहाँ पे आपको सिस्टम में कुछ कस्टमाइजेशन देखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पे डिवाइस सेटिंग्स जो कि भाई Xiaomi पार्ट्स का काम करता है जो कि भाई डिवाइस सेटिंग्स के नाम पे आता है। यहाँ पे FPS ओवरले भी देखने को मिलता है इस रोम में, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे में दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे आपको FPS वगैरह भी शो हो जाएगा। अगर आपको FPS चेक करना है गेम वगैरह खेलने के टाइम देन आप यहाँ पे इसको ऑन करके ये FPS वगैरह देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये रोम वैसे तो अच्छा ही परफॉर्म करता है क्योंकि एंड्रॉइड 12 में भी बहुत ही अच्छा तगड़ा स्टेबल परफॉर्म कर रहा था, इसमें भी शायद ही मतलब वैसे ही परफॉर्मेंस देखने को मिले। अगर हम बात करें थर्मल प्रोफाइल्स की, यहाँ पे आपको थर्मल प्रोफाइल्स भी देखने को मिल जाता है, वो इसके अंदर ही है, आई मीन यहाँ पे डिवाइस सेटिंग्स के अंदर ही है। सिस्टम या ट्यूनर में जाएंगे तो यहाँ पे आपको जो आइकन वगैरह चेंज कर सकते हो, यहाँ पे बैटरी परसेंटेज वगैरह देखने को मिलता है और यहाँ पे नीचे ऊपर जो भी चीज़ें आपको आई मीन आइकन के रिगार्डिंग है सब कुछ देखने को मिलेंगे। स्टेटस बार में जो आइकन है आप शो करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। जिस्टर्स की बात करें, जिस्टर्स में आप देख सकते हो यहाँ पे क्विक टैप एक्शन देखने को मिलता है, इसको मैं देख लेता हूँ काम करता है कि नहीं करता है, तो ये काम करता है, डिटेक्ट भी कर लेता है और वाइब्रेशन भी मारता है तो ये काम करता है। यहाँ पे स्वाइप टू स्क्रीनशॉट, क्विकली ओपन कैमरा देखने को मिलता है और यहाँ पे सिस्टम नेविगेशन देखने को मिल जाता है, 100 मोड डबल टैप और यहाँ पे ये सब कुछ देखने को मिल जाता है। नेविगेशन की बात करें तो जेस्चर्स में जैसे जाओगे यहाँ पे आपको जो है फील बार हाइट का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पे दिक्कत वाली बात है नहीं। बाकी बैटरी बैकअप भी इसका बहुत ही अच्छा है यहाँ पे और बैटरी परसेंटेज आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हो बैटरी सेटिंग्स में जाके। बैटरी यूसेज की बात करें, बैटरी यूसेज में ये सब कुछ देखने को मिलता है, ठीक है, और यहाँ पे मतलब बैटरी डिसेंट कहूंगा उतना ज्यादा भी अच्छा खासा देखने को नहीं मिलता, जो कि भाई मीटल में जैसे 5000 mAh के बैटरी में देखने को मिलता था, ठीक है। वैसे मेरे को उतना आइडिया भी नहीं है 4000 mAh बैटरी कितना अभी तक मतलब सर्वाइव कर पाता है, कितना बैटरी बैकअप देता है मेरे को उतना आइडिया नहीं है, तो मेरे को अच्छा खासा ठीक ठाक ही बैटरी बैकअप मिला है, ठीक है। वैसे ऐसे में दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसा नहीं है कि भाई बहुत ही ज्यादा ड्रेन हो जाएगा, ड्रेन होने से मेरे को पता चल जाता, मैं आपको बता ही देता, ठीक है। यहाँ पे बाकी जितने भी चीजें सब कुछ स्मूथली काम भी कर रहा है यहाँ पे, और लोकेशन वगैरह ये सब कुछ, प्राइवेसी, सिक्योरिटी की बात करें, सिक्योरिटी में अगर चाहोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो फिंगरप्रिंट मैंने ऐड करा है और फिंगरप्रिंट बहुत ही फास्ट है, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि मैं टैप करता हूँ वैसे ही अनलॉक हो जाता है, दो बार टैप क्यों लगता है भाई, तो इसको मैं एक बार थोड़ा टाइम के लिए रख देता हूँ, अभी देखते हैं। हाँ तो भाई थोड़ा टाइम के लिए आपको रखना पड़ेगा तभी जाके ये एक बार में अनलॉक होगा, वरना आपको दो बार जो है यहाँ पे टैप करना पड़ेगा। जैसे आप देख सकते हो मैंने कुछ टाइम यहाँ पे छोड़ दिया है, अभी मैं जैसे इसमें टैप करता हूँ तो ये अनलॉक हो जाता है। बाकी जितने भी चीज़ें सब कुछ वर्किंग है यहाँ पे, और अगर हम बात करें बाकी Geekbench स्कोर की तो ये सब कुछ मैं आपको दिखाई देता हूँ। और भाई और एक चीज़, अगर इन स्किन का वीडियो नहीं देखा तो गाइस स्क्रीन का वीडियो देख लेना, ये टेक्नोप्रोबर एडिशन का स्किन है मैंने बनवाया है, तो गाइस ये गिव अवे मैं डेफिनेटली करने वाला हूँ टेक्नोप्रोबर एडिशन स्किन 10K सब्सक्राइबर्स के बाद, ठीक है। तो गाइस आप डेफिनेटली मेक श्योर करो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, और भाई आप भी हो सकते हो वो लकी विनर, ठीक है, मैं 10 गिव अवे करूंगा। सो गाइस अगर मैं बात करूँ सीपीयू टोटलिंग टेस्ट की, तो गाइस आप देख सकते हो सीपीयू टोटलिंग टेस्ट में यहाँ पे 93% ऑफ हिज मैक्स परफॉर्मेंस आया है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने 6 मिनट का टेस्ट किया क्योंकि भाई फोन बहुत ही गर्म हो गया था, तो गाइस यहाँ पे मैंने इतने में ही रोक दिया था। और अगर मैं बात करूँ प्ले स्टोर सर्टिफिकेशन की, तो गाइस आप देख सकते हो प्ले स्टोर सर्टिफिकेशन में डिवाइस सर्टिफाइड देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूँ सेफ्टी नेट टेस्ट की, तो क्योंकि मैंने रूट कर रखा है इसीलिए यहाँ पे फेल दिखाई दिया, ठीक है, आप चाहो तो पास करवा सकते हो, ठीक है। और अगर हम बात करें इसके डीआरएम इन्फॉर्मेशन की, तो गाइस आप देख सकते हो सिक्योरिटी एनर्जी का सपोर्ट देखने को मिलता है, ठीक है, इसका मतलब नेटफ्लिक्स अमेज़न में आप HD कॉन्टेंट मजा ले पाओगे। यहाँ पर अगर हम बात करें Geekbench स्कोर की, तो गाइस आप देख सकते हो Geekbench रिजल्ट में कुछ इस टाइप का रिजल्ट आया है, ठीक है। इन्हीं कुछ टेस्ट मैंने करा है और भाई देख के लगा है कि भाई रोम जो है एकदम ही डिसेंट परफॉर्म कर रहा है हर एक टास्क में। आपको मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा इस रोम को फ्लैश कर सकते हो, इसमें अभी तक कोई भी मेरे को बग्स देखने को नहीं मिला, नोटिस नहीं हुआ, हर एक एक बग है, ठीक है। कॉलिंग के टाइम जो है कॉल कभी कभी जो सुनाई नहीं दे रहा था, ठीक है, मैंने दूसरे सिम में भी ट्राई किया लेकिन भाई सेम ही प्रॉब्लम आ रहा था, पता नहीं क्यों, शायद आपके में ना आए या फिर आ भी जाए पता नहीं, लेकिन भाई आप डेफिनेटली मेरे को एक बार कमेंट करके बता सकते हो कि भाई आपके में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बाकी यहाँ पे ये वॉइड हुआ जो है एकदम ही फ्लूडिटी के साथ आता है, यहाँ पे हर एक चीज काम करता है, यहाँ पे फीचर्स वगैरह तो अभी तो फिलहाल देखने को नहीं मिलते, लेकिन फ्यूचर में जब अपडेट आएंगे तो गाइस अनऑफिशियली अपडेट आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है नए नए चीजें देखने को मिलेंगे, आई मीन नए नए फीचर्स वगैरह कस्टमाइजेशन वगैरह देखने को मिलेंगे। सो गाइस यही था आज के इस वीडियो में फुल डिटेल रिव्यू वॉइड हुआ के बारे में, आपको कैसा लगा ये वॉइड हुआ का रिव्यू नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। और भाई सब्सक्राइब दबा के नीला पीला जो भी है गीला मत करना, बस बाकी सब कुछ कर लेना, ठीक है। तो गाइस मैं बोलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।